नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं प्रॉब्लम लेकर के आया हूं इस टीवी का, इसमें साउंड प्रॉब्लम है। ये एलजी कंपनी का ओरिजिनल टीवी है, 14 इंच का। ओरिजिनल कहने का तात्पर्य ये है कि कई टीवी में जो है किट चेंज रहता है, लेकिन इसमें चेंज नहीं है। इसमें जो अपना किट इसका है वही है लगा हुआ। आप देख सकते हैं वॉल्यूम फुल है, आवाज़ इसमें नहीं आ रहा। सेटअप बॉक्स से और टीवी से दोनों से जो है आवाज़ फुल है, किंतु आवाज़ इसमें नहीं आ रहा। तो आइए आप चेक करते हैं कि इसमें किस तरह का प्रॉब्लम है। सप्लाई प्रॉब्लम है या ऐसी प्रॉब्लम है या ये भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो चेक करके दिखाते हैं आपको। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एडिटिंग का काम नहीं करता हूँ, जो मेरा लाइव वीडियो रहता है वही रहता है लाइव काम करते हुए। तो आइए पहले हम किट निकाल लेते हैं और सॉकेट वगैरह निकाल करके और फिर देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये स्पीकर का वायर हमने ये दोनों निकाल दिया। अब हम इसमें जो है एक बार टीवी चालू करके और अपना स्पीकर लगा के चेक करेंगे, फिर देखते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए, मैंने टीवी चालू कर दिया है, टीवी मेरा ऑन हो गया और टीवी ये भी कर दिया मैंने। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कि आखिर फॉल्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दो सॉकेट है, जैसा कि एक एक स्पीकर का ये सॉकेट हो गया, ये दोनों पिन, और एक स्पीकर का ये दोनों पिन सॉकेट हो गया। इस आईसी में आपको बता दूं कि एक नंबर, दो नंबर और 14 नंबर और 15 नंबर। एक दो नंबर जो है एक स्पीकर का होता है और 14 और 15 नंबर जो है पिन वो एक स्पीकर का होता है। सप्लाई के लिए जो है इसमें दे रखा है, एक दो तीन, तीन और चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तीन और तेरह ये दोनों पिन जो है ये आप देख सकते हैं, ये सप्लाई आया हुआ है इस तरह से, यहाँ से ये इसमें पॉजिटिव सप्लाई आया हुआ है। तो ये तीन और तेरह पिन जो हो गया ये सप्लाई के लिए हो गया। और ग्रिड के लिए जो है इसमें दे रखा है एक दो तीन चार, चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, चार और बारह ये दोनों जो होता है लेफ्ट और राइट के लिए स्पीकर का ग्रिड होता है ये, जिस ग्रिड को आप जब सेटअप बॉक्स के नन ग्रिड से मिलाते हैं ए बी वायर के द्वारा, तो इसमें आपको आवाज मिलता है। तो एक स्पीकर पे लगाने से एक ग्रिड मेरा क्लिक करेंगे तो आवाज होगा, और दूसरे स्पीकर पे लगाने से दूसरा ग्रिड जब हम क्लिक करेंगे तो आवाज होगा। पहले हम एक पहले पे स्पीकर पे लगा करके देखते हैं। मैंने एक स्पीकर पे लगा दिया है, अपना वाला स्पीकर लगा दिया, और मैं इसका जो ग्रिड होगा वो ये होगा एक दो तीन चार, चार नंबर पिन ये होगा ग्रिड। आपको मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये जो होता है ये राम दो तीन चार, ये चार नंबर पिन इसका ग्रिड है, जो मैंने अभी एक और दो ये स्पीकर के लिए दिया है। आप देख सकते हैं एक पिन ये हो गया और दूसरा पिन ये हो गया,
दूसरा पिन इस तरह से आकर के यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से होते हुए यहाँ से आकर के यहाँ आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और दो और 14 और 15 इस एसी का स्पीकर होता है, और ये 4 और 12 ये ग्रिड होता है, और 3 और 13 ये इसका जो है सप्लाई होता है। तो इस ग्रिड पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो इसमें कोई साउंड नहीं आ रही। अब ये इस स्पीकर पे मैं डाल करके, जैसा कि इसका सॉकेट ये दिया हुआ है एक और दो पिन, इन दोनों पिन पे, अब इसका भी मैं साफ क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, एक पहला जो पिन आया हुआ है ये आया हुआ है 14 नंबर पे, और इधर से दूसरा जो आया हुआ है ये ऐसे करके यहाँ से इस जम्पर के द्वारा यहाँ आ गया, यहाँ से आकर के इस जम्पर के द्वारा यहाँ आ गया, और यही घूमते हुए ऐसे करके जब जा रहा है तो ऐसे करके यहाँ आया, यहाँ से जम्पर के द्वारा यहाँ आया, और यहाँ से ये 15 नंबर पिन पे आया। तो ये आपका हो गया एसी का कनेक्शन। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो प्राइमरी तो काम नहीं कर रहा और सेकेंडरी एसी काम कर रहा कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं सेकेंडरी पे लगा दिया है इसको, और सेकेंडरी पे लगाने के बाद आईसी का जो एक सेक्शन है, आईसी का एक सेक्शन जो है वो फेल है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका आईसी चेंज करते हैं। आईसी जब हम चेंज कर देंगे तो हमारा, जैसा कि आपका ये सेकेंडरी चल रहा है इसमें और प्राइमरी नहीं चल रहा, तो प्राइमरी का जो है हम एसी चेंज करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि प्राइमरी सेक्शन हमारा ओके हुआ कि नहीं। उससे पहले हम ये टीवी एसी कोर निकाल देते हैं और इसमें एसी निकाल के चेक करते हैं आखिर। दोस्तों, मेरा जो वीडियो होता है उस वीडियो में कोई एडिटिंग का काम नहीं करता हूँ मैं, जो लाइव रिपेयरिंग करता रहता हूँ मैं उसी को आप लोगों के बीच दिखाता हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने से अच्छे अच्छे मिस्त्री को समझ में नहीं आएगा, तो जो कुछ भी नहीं जानते इस काम को उनको क्या समझ में आएगा। इसलिए मेरा थिंकिंग यह है कि काम जो आपसे आपको दिखाया जाए, इस काम को पूरे तसल्ली के साथ आप समझ पाओ। ये मैं जो ऐसी अभी खोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं ऐसी खोल रहा हूँ, ये नहीं कि बस बोल दिया और ऐसी मैंने नाम के लिए दिखा दिया कि हाँ देख लीजिए मैंने ऐसी चेंज कर दिया। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, बट काम आपको सही से समझ में इसी तरह वीडियो देखेंगे तो आएगा। आप कहीं कोचिंग करने के लिए भी जाएंगे तो ये नहीं है जो शुरू और लास्ट आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे, हाँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा किस बेस पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। हमने वो दिखाया आपको कि इसका जो ग्रिड है, ग्रिड नहीं आ रहा था, तो इस वजह से जो है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। वोल्टेज का चेक करने का मुझे जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए कि जब हमारा सेकेंडरी पोल काम कर रहा है तो इसका मतलब एसी पे वोल्टेज बराबर पहुंच रही है। अगर वोल्टेज नहीं पहुंचती तो सेकेंडरी सेक्शन भी काम नहीं करता।
देखिए दोस्तों, इस एसी का जो नंबर है वो है 7297। मैं इसी नंबर का जो है एक एसी ये दूसरा लगाऊंगा, आप देख सकते हैं 7297। ये मेरा पहला है जो मैंने खोला है और ये मेरा दूसरा है, इसको मुझे लगाना है और फिर मैं देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मेरी कमेंट्री पे मत जाइएगा क्योंकि मुझे कमेंट्री करने का जो है आदत नहीं है। मैं जब काम करता हूँ तो काम करते वक्त मुझे काम पे ही फोकस रखता हूँ मैं। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि मेरे काम को देखने के बाद में आप अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन कमेंट्री पे जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये, इसलिए मैं एलजी टीवी का ओरिजिनल किट है। ओरिजिनल किट का काम करने के लिए जो है वोल्टेज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ड्राइंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको वोल्टेज की जानकारी नहीं है, ड्राइंग का जानकारी नहीं है, सर्किट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, ट्रांजिस्टर आईसी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप कतई ये सब काम रिस्क उठाने की जरूरत ना करें। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो इसमें कई रूल रेगुलेशन होता है एसी लगाते टाइम का, एसी खोलते टाइम का, क्योंकि एसी खोलते टाइम भी अगर आपने सोल्डिंग आयरन ज्यादा हिट करके जो है इधर उधर जबरदस्ती किया तो जबरदस्ती करने से प्रिंट टूट जाएगा और प्रिंट टूटने के बाद में आपको जो है जम्फर लगाना पड़ेगा। ये सब काम बड़ा तरीका से होता है, तो हम पहले एसी निकालते टाइम प्रिंट को तोड़े ही क्यों जो जम्फर लगाने की स्थिति आए। रही बात ये खोलने टाइम का तरीका हुआ, और ये लगाने टाइम का जो एक सतर्कता है वो आप एसी लगाते टाइम ये ध्यान रखें कि एसी आपका ज्यादा हिट ना हो, एसी के पिन के ऊपर आप ज्यादा देर तक जो है सोल्डिंग आयरन ना रखें। अगर ज्यादा देर तक आप सोल्डिंग आयरन रखेंगे तो एसी गर्म हो जाएगा, एसी गर्म होने के बाद में एसी आपको लगाने का कोई फायदा नहीं, एसी फूक जाएगा। तो ये सब जो जानकारी है ये जरूरी है, क्योंकि ये तो हम भी समझ जाएंगे कि हाँ ऐसी मुझे चेंज करना है, ऐसी चेंज करना है, उसके बाद वो ऐसी कैसे चेंज करना है वो भी तो देखना है। ऐसी चेंज करते टाइम, ट्रांजिस्टर चेंज करते टाइम हाथ की अस्थिरता को बहुत गौर किया जाता है। अगर आपने थोड़ा भी जल्दबाजी करी तो ऐसी आपका फूक जाएगा, ट्रांजिस्टर स्टीयर खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी में लगाते टाइम जो है ज्यादा जल्दी ना करें, ये नहीं जल्दी जल्दी पिन को सोल्डिंग कर दिया आपने। तो देखिए दोस्तों, मैंने एसी लगा दिया है और अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, फिनिशिंग होना चाहिए काम में, तो फिनिशिंग में दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें मैंने सोल्डिंग पेस्ट लगाया था सोल्डिंग के लिए, तो अभी अगर मैं एक बार थिनर मार दूंगा इसमें तो सोल्डिंग पेस्ट जो है वो हट जाएगा और हमारा एसी जो है लॉन्ग टाइम चलेगा। अगर हम इसको ऐसे ही लगा करके छोड़ देंगे तो ये कब शॉर्ट कर जाएगा, उसका कुछ ठीक नहीं है। ऐसी ट्रांजिस्टर एसटीआर ये सब बड़ा नाजुक चीज होता है, देख सकते हैं। और किट को कभी भी सरसों तेल या मिट्टी का तेल ये सबसे इन सब चीजों से साफ ना करें, इससे क्या होगा, साफ तो हो जाएगा लेकिन वो उड़ता नहीं है। ये हवा में थिनर जो है हवा में उड़ जाता है साफ होने के बाद, आप देख सकते हैं अब इस पर कुछ नहीं है। लेकिन जो मिट्टी का ऑयल होता है या और भी कोई ऑयल होता है वो जम जाएगा किट पे, तो वो किट को नुकसान करेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये सेक्शन जो अभी मैं लगाया हूँ केवल स्पीकर का तार वायर वो नहीं चल रहा था, अब मैं देखता हूँ इसमें एक बार टीवी ऑन करके कि हमारा टीवी का ये साउंड ओके हुआ कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इधर का, एक बार मैं उधर वाला साउंड चेक कर लेता हूँ। वर्षा पलड़ता पलड़ता अरे तारे ध्रुजता ध्रुजता भरा
कोयला पड़ता घर में। लेफ्ट तो ओके हो गया, राइट का देख लेता हूँ एक बार। देख सकते हैं राइट वाला भी सेक्शन ओके है और लेफ्ट वाला भी ओके है। इसका खुद का स्पीकर है, वो लगा के चेक कर लेता हूँ। देख लिए दोस्तों, इसका जो आईसी था, आईसी में ही एल और आर जो होता है लेफ्ट और राइट सेक्शन, उसमें प्रॉब्लम था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका खुद का स्पीकर लगा करके। साफ करा दवाओं आपनी लोगों ने समझावा स्वयं सेवको अने डॉक्टरों ने व्यवस्था करवी आ बधाज कामों मा महाराज दात ने पण धीरे एक रूप थई जता। एम सावरदास महाराज क्या मन ने पहुंची जाए। एक बार बनासकांठा जिला मा दुष्काल पड़ो हतो त्यारे महाराज त्यां पहुंची गया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इसमें ये ऐसी खराब था साउंड ऐसी, इस साउंड ऐसी को चेंज करने पे इसका लेफ्ट और राइट दोनों सेक्शन काम करने लगा, जो इधर का काम नहीं कर रहा था इधर का कर रहा था, दोनों सेक्शन काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। लड़े काफा काफी था हुल्लड़ था प्यारे पर जाल में जो खबर महाराज क्या पहुंची जाए। कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे।